हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, डेट इज़ बियरिंग। बियरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बियरिंग के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि बियरिंग क्या है। ठीक है बात। बियरिंग क्या होती है? सबसे पहले तो बियरिंग क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो बियरिंग, जैसा कि हम सब जानते हैं, बियरिंग का क्या काम होता है? बियरिंग किसी मशीन का वह भाग है जो गतिमान भागों को सहारा देने के साथ साथ उसकी निश्चित गति में भी सहयोग करती है। बियरिंग में शाफ्ट, जैसे ये मान लो बियरिंग है, ये बियरिंग है, इनमें क्या होगा, शाफ्ट इन दोनों में फंसा होगा, तो इसमें सपोर्ट रहेगा। एक शाफ्ट का एक एक्सेस ये है, मान लो शाफ्ट का दूसरा एक्सेस ये है, तो इधर बियरिंग में लगा हुआ है, ये बियरिंग में लगा हुआ है, और ये शाफ्ट मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या क्लॉकवाइज जैसे मूव कर रहा होगा, तो ये दोनों एंड शाफ्ट के किस में है, बियरिंग के अंदर है, और इसको ये शाफ्ट को घूमने में भी रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, तो ये मोशन है, ये भी मोशन होता रहे, ये गतिमान अवस्था में बना रहे, और इसको सहारा देने में शाफ्ट को, इसका उपयोग होता है हमारा वियरिंग का। बात क्लियर है। कई सारे पार्ट्स हैं किसी भी मशीन में, कई सारे पार्ट्स हैं जो रिलेटिव मोशन करते हैं, है कि नहीं, तो उसमें गतिमान अंगों को सहयोग दिया जाता है कि ताकि वह गतिमान अवस्था में बने रहें, पार्ट्स निकले ना, ऐसा ना हो गति करते समय, गति करते करते बाहर हो जाए वो पार्ट मशीन से, तो वो पार्ट कहीं फिक्स रहेगा या कहीं फंसा रहेगा किसी होल में या किसी मैकेनिकल अरेंजमेंट के साथ, जिससे वो गति कर सके। ऐसी शाफ्ट बियरिंग में फंसा रहता है, बियरिंग में होल रहता है, दोनों सिरे बियरिंग में रहेंगे और शाफ्ट गति कर पाएगा जितने भी आरपीएम पे घूम रहा हो। ये कहा हमारी बियरिंग का, बियरिंग का भी क्लासिफिकेशन है, वो जनरली दो टाइप से किया गया है। पहला है सहारे गए बल के आधार पर, मतलब जो शाफ्ट पर जो लोड आ रहा है वो किस प्रकार का लोड है उसके आधार पर। दूसरा, संपर्क की प्रकृति के आधार पर, कहने का मतलब बियरिंग में जो शाफ्ट का संपर्क है वो किस प्रकार से है, बियरिंग शाफ्ट जो है बियरिंग में फंसा है, तो बियरिंग शाफ्ट का कॉन्टैक्ट कैसा है, जो बियरिंग है उसका कॉन्टैक्ट शाफ्ट के ऊपर किस प्रकार से है। सेकेंड वन इज रोलर बियरिंग, तो इन सब को हम पढ़ेंगे। जो सारे गए बल के आधार पर, रेडियल बियरिंग, फुट स्टेप और पाइवट बियरिंग। थर्ड वन इज थ्रस्ट या कोलर बियरिंग। फोर्थ वन इज गाइड और स्लिपर बियरिंग। कॉन्टैक्ट के नेचर के आधार पर, प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, रोलिंग कॉन्टैक्ट, वॉल बियरिंग। लास्ट वन इज रोलर बियरिंग, अपना अलग टाइप है। तो हम एक सबको एक एक करके वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सारे गए बल के आधार पर बियरिंग की बात करें, तो सारे गए बल के आधार पर बियरिंग की बात करें, अब इसमें देख रहे हैं लाइन डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बियरिंग में भार या बल, जो भी लोड आ रहा है, घूमते हुए अवयव की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है। जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ शाफ्ट घूम रहा है उसके एक्सिस के लंबवत काम करेगा। तो इस प्रकार की बियरिंगों में बल या भार जो है शाफ्ट की त्रिज्याओं पर सहारा जाता है, तो उसकी रेडियस पर इसका सहारा दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बॉडी है, ये शाफ्ट है, यहाँ ये बियरिंग है, इसमें ये फंसा हुआ है, यहाँ ये शाफ्ट घूम रहा है, तो फोर्स जो लग रहा है वो लंबवत लग रहा है। शाफ्ट तो शाफ्ट की एक्सेस ये है, तो फोर्स वो है लंबवत काम कर रहा है। बात क्लियर है। और
तो जो लोड है उसको सारा कहाँ किया गया, रेडियली, रेडियली सारा दिया गया है, त्रिज्याओं पर सारा दिया गया है। इसमें ब्रश लगा हुआ है, ब्रश से मतलब यह है कि घिस घिस के ब्रश से कॉन्टैक्ट में आएगा, ये शाफ्ट में फंसा हुआ है या ब्रश लगा हुआ है, तो यहाँ जब शाफ्ट कॉन्टैक्ट में आए, जब रोटेशन होता रहेगा इनका, जब रोटेशन होता रहेगा ये घूम घूम रहा है बार बार शाफ्ट, तो ब्रश घिस जाएगा, पहले बियरिंग ख़राब नहीं होगी, पहले क्या जाएगा, ब्रश जाएगा, तो ब्रश को चेंज कर देंगे, तो इस तरह से हमारी बियरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। अगला है फुट स्टेप या पाइवट बियरिंग, इसका भी लाइन डायग्राम आप देख ही पा रहे हैं, आपको दिख रहा है फुट स्टेप पाइवट बियरिंग। इसमें क्या है, ये शाफ्ट हमारा वर्टिकली लगा हुआ है, इसकी एक्सिस ये है शाफ्ट की, ठीक है बात। तो इस प्रकार के बियरिंग का उपयोग प्रायः ऊर्ध्वाधर घूमती हुई शाफ्ट के एक सिरे पर सारा करने के लिए, जो है ना वर्टिकली, तो वर्टिकली शाफ्ट रोटेट कर रही है, शाफ्ट कैसे रोटेट कर रही है, इसमें वर्टिकली रोटेट कर रही है शाफ्ट, इसमें देखो वर्टिकल शाफ्ट है, ये शाफ्ट देखो वर्टिकल है ऐसे ऐसे, तो ये वर्टिकली रोटेट कर रही है, ये वर्टिकली रोटेट कर रही है, ठीक है, ये शाफ्ट वर्टिकल रोटेट कर रही है। तो फुट स्टेप बियरिंग जो है, तो इस प्रकार की बियरिंग का उपयोग प्राय वर्टिकली रोटेट करते हुए शाफ्ट का एक सिरा सारने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में जो लोड है उसकी दिशा क्या होगी, घूमती हुई शाफ्ट के अक्ष के समांतर होगी, जो प्रेशर लगेगा वो पैरेलल में लगेगा, शाफ्ट ये है, शाफ्ट का एक्सिस ये है वर्टिकली, है ना, तो इसके पैरेलल में आएगा, जो बियरिंग में जो लोड आएगा वो इसके पैरेलल में ही आएगा, ठीक है बात। इसका एक सिरा ओपन है और एक सिरा बियरिंग में, ये वाला सिरा ओपन है, ये भी सिरा बियरिंग में, ठीक है बात। ये फिगर है आपका, क्लियर है, इसमें भी शाफ्ट बुश लगा हुआ है, बुश बुश बॉडी, ये कॉनकेव डिस्क है, ये शाफ्ट दिख रहा है आपको, बुश लगे हुए हैं, बॉडी कॉनकेव डिस्क, बुश का वही काम है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में पहले बुश घिस जाएंगे तो बुश को अलग से लगाया जा सकता है, बियरिंग की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है बस लगे होने से, ठीक है बात। चलते हैं नेक्स्ट वन इज थ्रस्ट और कोलर बियरिंग, इसमें कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, बस इसमें बस ये है कोलर लगे हुए दिख रहा है, ये कोलर लगे हुए, इससे क्या है सांप को और सही से मजबूती से पकड़ा जा सकता है, ये हिलेगा डोलेगा नहीं और इधर उधर भाग नहीं सकता ये, ठीक है बात। चलते हैं क्या कहता है, इस प्रकार की बियरिंग में भी जो फोर्स है वो शाफ्ट के अक्ष के समांतर लगता है, शाफ्ट के सिरे पर एक कोलर लगा रहता है जो शाफ्ट को बल की दिशा में सरकने से रोकता है। क्या होगा, मान लो इधर इधर फोर्स लग रहा है तो क्या शाफ्ट इधर खिसक जाएगा ना, इसलिए कोलर लगा दिए हैं, कोलर लगा दिए शाफ्ट इधर खिसक नहीं पाएगा, अब यहाँ कोलर लगाए ये, अब ये शाफ्ट खिसक नहीं पाएगा, इधर क्या होगा ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, बस नहीं ये नहीं होगा तो क्या इधर बल लग रहा था, ये शाफ्ट इधर खिसक जाएगा फिर, तो है ना, इसलिए। नेक्स्ट वन इज गाइड या स्लिपर बियरिंग, ये देखो आपको दिख रहे हैं गाइड सतह दिख रहा होगा फिगर में, गाइड सतह, ये क्रॉस हेड है, ये पिस्टन रॉड है। इस प्रकार के बियरिंग में गतिमान अंग सामान्यतः जैसे पिस्टन है, प्लंजर है, क्रॉस हेड है, एक निर्धारित सरल रेखीय मार्ग पर चलता है, जैसे पिस्टन का मूवमेंट होता है आपने देखा है। इस प्रकार की बियरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, जब जहाँ कोई मूवमेंट करने वाला जो पार्ट है वो एक सरल रेखीय गति करता हो, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ये वाला सिलेंडर है तो ये पिस्टन है, ये क्या करती है फॉरवर्ड बैकवर्ड स्ट्रोक करती है, इधर से इधर इधर करेगी, इधर जाएगी फिर वापस इधर आ जाएगी, तो ये सरल रेखीय गति हुई, जहाँ सरल रेखीय गति होती है वहाँ पर गाइड या स्लिपर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। क्या होता है इसमें, जैसे पिस्टन का मूवमेंट है अभी आपने देखा, तो इस गतिमान अंग की दिशा में गाइडों की मदद से ये इसका उपयोग करते हैं, और जो गाइड गतिमान अंग को सहारा भी प्रदान करता है। इसमें बियरिंग का मुख्य कार्य जो है, जो रोटेटिंग पार्ट है उसको गाइड करना है, इसमें बियरिंग पर लगने वाले बलों की दिशा का अधिक महत्व तो नहीं होता है,
फॉर एग्जांपल ये हमारी भाप इंजन या भाप इंजन का जैसे क्रॉस हेड है, पिस्टन है सिलेंडर के अंदर, खराद मशीन में क्रॉस स्लाइड है, उसका चालन इसी प्रकार के बेयरिंग पर होता है। आपने लेथ मशीन पर क्रॉस स्लाइड देखी होगी, वो भी इधर मूव कर जहाँ टूल पोस्ट होता है, ठीक है, तो वो भी ऐसे से मूव करता है, नीचे यही बेयरिंग है, वो गाइड करेगी इसको रेखी गति में मोशन करने के लिए। नेक्स्ट टाइप शुरू होता है हमारा संपर्क की प्रकृति के आधार पर। तो पहला है प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, क्या है देखते हैं। ये है प्लेन या कॉन्टैक्ट, प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ये प्लेन है। इस प्रकार की बेयरिंग में गतिमान तथा स्थिर अंगों के मध्य जो संपर्क सतह है वहाँ स्लाइडिंग होती है, जो एक अच्छा गतिमान है और एक स्थिर है। जैसे हमारा मान लो ये बियरिंग है, ठीक है, ये तो स्थिर हो गई मान लो, और साफ्ट मूव कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से एक गतिमान हो गया और एक स्थिर हो गया। इस प्रकार सापेक्ष गति रखने वाले अंग परस्पर सकते हैं और उसमें सतह संपर्क होता है, मतलब सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। इस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग करने का फायदा ये है, इसकी प्रारंभिक लागत न्यूनतम होगी और घर्षण भी न्यूनतम होता है। सतह संपर्क होने के कारण इसमें जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम से कम लग रहा हो ऐसी जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें सरफेस कॉन्टैक्ट है, सरफेस कॉन्टैक्ट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। जब सरफेस कॉन्टैक्ट होगा पूरा कॉन्टैक्ट है तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे पार्ट्स जिनमें फ्रिक्शन कम से कम लगता हो वहीं इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ऐसी बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पॉइंट कॉन्टैक्ट तो फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है बात। ज़्यादा फ्रिक्शन अगर आ गया ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी और ज़्यादा पावर भी लगेगी उसको मूव करने में, और एनर्जी का लॉस होगा, पार्ट्स का भी बियर टीयर ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में समझते हैं। जो हमारा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है वो क्या कहता है, अब जैसे ये फिगर है, ये हमारा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, कोई पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, कई सारे रोलर दिख रहे हैं, कई सारे रोलर ये चीज़ें छोटे छोटे छर्रे टाइप का आपको दिख रहा होगा, गोली है, राउंड गोली है जिसे छर्रे कहते हैं आप हिंदी में, देखी होंगे साइकिल में देखी होंगे आपने रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है। तो रोलिंग संपर्क बियरिंग का फिगर जैसा आप देख रहे हैं, अच्छा ये स्टील की बनी होती हैं, ये स्थिर तथा गतिमान अंगों के मध्य लगा दी जाती है, इन अंगों के बीच में रोलिंग संपर्क होता है, इनको जनरली एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी कम हो जाता है। इन बियरिंगों में लुब्रिकेशन तथा मेंटेनेंस की आवश्यकता भी न्यूनतम रहती है, क्योंकि पॉइंट कॉन्टैक्ट पर काम करती हैं, सर्विस कॉन्टैक्ट है नहीं, सर्विस कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसमें आप पॉइंट कॉन्टैक्ट है तो कम से कम फ्रिक्शन जनरेट होगा, कम से कम एनर्जी लगेगी जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे हम जनरल बियरिंग या रेडियल साधारण बियरिंग, ठीक है। जनरल बियरिंग की क्या होती है, जनरल बियरिंग क्या है, जब किसी शाफ्ट को बीच से पकड़ा जाए या बीच में सहारा दिया जाए तो उसे जनरल बियरिंग कहते हैं। जैसे हाथ से पोंछे को पकड़ना, जैसे फिगर में देख पा रहे होंगे आप, यहाँ होल है, यहाँ आपको होल दिख रहा है, यहाँ होल दिख रहा है, ये तो कस गए,
और जो बीच में उभरा वो पार्ट है इसमें शाफ्ट फंसा होगा, इसमें शाफ्ट पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बेयरिंग जहाँ पर शाफ्ट को बीच से पकड़ा जाए और उसको सहारा देने के लिए जिस बेयरिंग की आवश्यकता हो उसे जनरल बेयरिंग कहते हैं। इसका ये जो पहला टाइप है सिंपल सॉलिड बेयरिंग, इसमें क्या है, इसमें एक ठोस पिंड वृत्ताकार आकृति का एक आयताकार आधार के साथ होता है। एक होल शाफ्ट के व्यास के बराबर इसकी ऊपरी बेलनाकार भाग में ड्रिल कर दिया जाता है। आयताकार आधार, ये आयताकार आधार आपको दिख रहा होगा, ये आयताकार आधार है, ठीक है। आयताकार आधार में दो ड्रिल करके ये होल बना दिए, एक ये है, एक ये होल है, एक ये होल है, ठीक है बात। और जो होल है उन्हें बोल्ट डालकर बांध दिया जाता है और एक क्षेत्र ऊपरी भाग में शाफ्ट क्षेत्र तक दिया जाता है जिससे लुब्रिकेशन जाता है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ, यहाँ शाफ्ट है, यहाँ ऊपर एक होल है, इस होल से लुब्रिकेशन डाल दिया जाता है ताकि यहाँ शाफ्ट हो जो घूमेगा तो लुब्रिकेशन होता रहे तो फ्रिक्शन कम से कम लगेगा, ये मूव करता रहेगा, ये लुब्रिकेशन के लिए होल है। ये कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका उपयोग जनरली जो जो ठोस जनरल बेयरिंग का उपयोग धीमी गति से चलने वाली शाफ्टों में किया जाता है जिनके द्वारा अधिक बल ट्रांसफ़र होता है, अधिक फोर्स ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग, अधिक पावर ट्रांसमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बूस्ट बेयरिंग। बूस्ट, इसमें एक बुश होता है, देखते हैं कैसे। ये बूस्ट बेयरिंग है, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे ये होल फॉर बोल्टिंग, ये बॉडी, ये बुश लगे हुए हैं, यहाँ ऑयल आ रहा है इधर से फॉर लुब्रिकेशन, और ये होल जो शाफ्ट के लिए है, ये बेयरिंग है, रेस्ट इन द बेस, ये यहाँ बोल्ट से कसा होगा ये, ठीक है बात। तो इसमें क्या है, यह भी ठोस जनरल बेयरिंग है, इसमें कुछ सुधार या मॉडिफिकेशन किया गया है। इसमें एक बुश वॉश या गन मेटल का बना शाफ्ट के लिए बने होल में दबाव देकर लगा दिया जाता है, बुश लगा दिया जाता है। इसमें एक बुश का आंतरिक व्यास शाफ्ट के व्यास के बराबर होता है। बुश का पदार्थ धातु की शाफ्ट की अपेक्षा मुलायम होता है तथा शीघ्र घिसता है। जब बुश घिस जाता है तो नया लगाकर बदल देते हैं। इसी बेयरिंग की मुख्य बॉडी की सुरक्षा होती रहती है। बेयरिंग के आयताकार आधार को बोल्टों द्वारा मशीन या अन्य दृढ़ पिंड पर कस दिया जाता है। जहाँ शाफ्ट कसा है उसके ऊपर हाउसिंग में ही एक होल के लिए, ऑयल के लिए होल बना देते हैं, ठीक है, जो लुब्रिकेशन के काम आता है। इसका प्रयोग ठोस जनरल बेयरिंग की अपेक्षा अधिक गति से चलने वाली शाफ्टों में किया जाता है। वे बेयरिंग जिनमें चलते हुए भाग के तल पर रगड़ने के लिए बुश द्वारा तल प्रदान करता है, बुश बेयरिंग कहलाती है। बुश एक या दोनों भागों में हो सकता है, इधर भी हो सकता है बुश, इधर भागों में भी लगा सकते हैं, इधर में भी लगा सकते हैं, या दोनों में लगा सकते हैं। बात क्लियर है। नेक्स्ट वन इज ओपन बेयरिंग। ओपन बेयरिंग देखो, ओपन है ये ओपन बेयरिंग, ऊपर का सिरा ओपन एकदम, इसमें देखो क्लोज था, इसमें क्लोज्ड है, इसमें ओपन है, ये शाफ्ट ऊपर एक से ऊपर खुला रहेगा और इसमें एक आधा आधा बेयरिंग रहेगा शाफ्ट, आधा बाहर रहेगा, ये ओपन बेयरिंग है हमारी। इस प्रकार की बेयरिंग ऊपर की तरफ से खुली रहती है, इसके अंदर आधा बेलनाकार बुश होता है, बेयरिंग का आधार आयताकार होता है तथा बेयरिंग को रोकने के लिए दो छिद्र होते हैं। इस प्रकार की बेयरिंग का प्रयोग कहा जाता है जहाँ शाफ्ट बहुत लंबी या जिगजैग पोजीशन की शाफ्ट होती है, उनको सहारा देने में इसका उपयोग किया जाता है। बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं पेडस्टल बेयरिंग या प्लम्बर ब्लॉक। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, पेडस्टल बेयरिंग या प्लम्बर ब्लॉक, ये क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं। पेडस्टल बेयरिंग, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें यहाँ देखोगे एक ऑयल का छिद्र बना हुआ है, यहाँ ऑयल का छिद्र है, ये कवर है, यहाँ बुश लगा हुआ है आधे पार्ट में, ये ऊपरी ब्राश है, ये ब्लॉक या बॉडी, इधर होल के लिए बोल्ट कसने के लिए लगा हुआ है, यहाँ शाफ्ट इसमें लगा हुआ है, इधर बुश लगा हुआ है, नट बोल्ट से कटा हुआ है ये पूरा पार्ट। तो देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं पहले, इसमें क्या क्या है, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे। प्लम्बर ब्लॉक बेयरिंग
एक स्प्लिट प्रकार की बियरिंग है, जैसे होता है ना स्प्लिट प्रकार की बियरिंग है, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, देख रहे हैं फिगर के माध्यम से, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। एक तो इसका एक बेस होता है लोहे का बना होता है, जिसका आधार है वो क्या है, पूरे लोहे का बना हुआ है। जो बेस आपको दिख रहा है ये कंस्ट्रक्शन समझ रहे पहले, ये पूरा बेस है जो ऐसा है लोहे का बना हुआ है, ठीक है बात। दूसरा, दो अर्ध वृत्ताकार गन मेटल के बने ब्राश, देखो एक ये दिस वन, ये दिस वन, अर्ध वृत्ताकार के मेटल के गन मेटल के बने ब्राश हो गए। एक कास्ट आयरन का कैप, कास्ट आयरन का कैप, दिस वन कैप है ये, इधर कैप है ये कास्ट आयरन का। दो मृद इस्पात के माइल स्टील के वर्गाकार सिर बोल्ट, ये दो ये लगे हुए हैं। हेक्सागोनल आकार के लॉक नट के दो सेट, इन बियरिंग के विभक्त प्रकार के बने होने के कारण शाफ्ट को बियरिंग से निकालने या प्रोसेस में बदलने से आसानी होती है। हेक्सागोनल नट बोल्ट, जैसे ये हेक्सागोनल नट बोल्ट है ये दोनों, ठीक है, ये ब्लॉक इधर है, ये दो नट बोल्ट यहाँ लगेंगे, सॉरी जो माइल स्टील के नट बोल्ट वो यहाँ लगेंगे, ये हेक्सागोनल बोल्ट हैं, इसकी वजह से ये खोलना निकालना इनको आसान है और बियरिंग्स निकालने में और ब्रशेस से बदलने में आसानी होती है। जैसे यहाँ ब्रशेस ये होगा, इसको बदलने में आसानी होगी। इसमें ऊपरी ब्रश तथा निचला ब्रश होता है, ब्रशों को आगे पीछे सरकने से रोकने के लिए उस पर कोलर बना होता है, तथा प्लमर ब्लॉक की बॉडी में बना एक होल निचले ब्रश के नीचे बने स्नैक को लगाने के लिए बना होता है, जो ब्रश को घूमने से रोकता है। ब्लॉक में पहले निचला ब्रश, फिर ऊपर ब्रश, इसके ऊपर कैप लगाकर बोल्टों तक कस दिया जाता है, और एक ऊपर एक होल होता है इसमें, ताकि जिसे ऑयल होल कहते हैं, जिससे ये लुब्रिकेशन होता था। मतलब क्या है, ये नट, ये जो हेक्सागोनल नट अलग कर लेंगे तो ये पूरा ये अलग अलग हो जाएगा पार्ट्स, यहाँ से शाफ्ट निकल जाएगा। पहले ये है, इनके ऊपर हटाया, शाफ्ट डाल दिया, ऊपर से कस दिया सब, ठीक है, यहाँ ये कसा वो हिल नहीं सकता, यहाँ शाफ्ट है इसमें ऊपर है, ऊपर से ऑयल है या ब्रश है, ये रन करता रहेगा शाफ्ट इसके अंदर, ये बियरिंग सपोर्ट देती रहेगी, इस प्रकार का ये अरेंजमेंट है। तो ये हमारा क्या है, पेडेस्टल बियरिंग या प्लमर ब्लॉक कहलाता है ये पूरा अरेंजमेंट। नेक्स्ट वन इज फुट स्टेप बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग। तो दिख रहा है एक शाफ्ट है, बुश लगा हुआ है, नीचे डिस्क है, ये शाफ्ट बुश ये डिस्क है, ये लुब्रिकेशन के रेसिस्टेंस हैं, होल हैं, ये स्नग है, ये इलेप्टिकल होल्स हैं जहाँ ये बेस में कसा हुआ है। तो फुट स्टेप, इसे पाइवेट बियरिंग भी कहते हैं, इसमें एक खुला ऊर्जा वृत्ताकार खंड सर्कुलर ब्लॉक आयताकार आधार के साथ होता है। आयताकार आधार बियरिंग को नीचे बोल्टों में कसने के लिए चार इलेप्टिकल छिद्र रखता है। ब्लॉक जो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, इसमें वृत्ताकार ब्लॉक के अंदर गन मेटल का बना एक कॉलर युक्त ब्रश फिट किया जाता है। ऊर्ध्वाधर शाफ्ट डिस्क के अंदर एक कॉनकेव स्टील डिस्क पर रुकती है या विश्राम करती है। डिस्क को घूमने के लिए ब्लॉक या डिस्क में एक पिन फंसा दी जाती है, या एक पिन फंसा दी जाती है, ठीक है, और ये शाफ्ट फिर घूमता रहता है। ये डिस्क है, ठीक है बात, इलेप्टिकल होल्स हैं, पाँच छः होल होंगे ताकि जो शाफ्ट के वाइब्रेशन हो, जो मोशन जब घूमेगा रोटेट मोशन करेगा तो हिले नहीं, मजबूती के साथ रहे, अलग ना हो, इसके लिए इसको सही से टाइटली कस दिया जाता है बेस के साथ। नेक्स्ट वन इज कोलर और थ्रस्ट बियरिंग। नोट, कोलर या थ्रस्ट बियरिंग, इसमें भी फिगर दिख रहा है, इसमें भी तो कई सारे कोलर लगे हुए हैं, कुछ नहीं है इसमें, इस बियरिंग में कुछ नहीं, यथा नाम तथोगुणा, इसमें कई सारे कोलर लगे हुए हैं, तक साफ इधर लोड लग रहा है, इधर खिसक ना जाए, इसलिए कई सारे कोलर, ऑयल ऊपर ऑयल छिद्र हैं, यहाँ से लुब्रिकेशन मिलता रहेगा साफ के लिए, कोई देखिए वर्किंग कोई खास नहीं है इसमें, ठीक है। लाइन डायग्राम, नोद या कॉलर बियरिंग का उपयोग ऐसी परिस्थिति में किया जाता है जब शाफ्ट पर बल उसके अच के समांतर हो तथा वह दो सिरों पर बियरिंग से बाहर निकलती रहती हो। इसके दोनों सिरों देखो, दोनों बाहर हैं कि नहीं है, ये दोनों सिरे बाहर हैं तो बीच में क्या कॉलर लगा दिए, दोनों सिरे नहीं फंसे हैं, दोनों सिरे फ्री हैं तो कॉलर से हिलेगा ही नहीं है, तो अपने आप से घूमता रहेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर कॉलरों की संख्या अच्छी दाव पर निर्भर करती है, जितना ज़्यादा दाव होगा उतना ज़्यादा कॉलर का इस्तेमाल करेंगे, जितना प्रेशर लग रहा होगा एक्सियल प्रेशर, एक्सियल लोड जितना ज़्यादा आ रहा होगा उतना ज़्यादा हम कॉलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये शाफ्ट, ये कॉलर शाफ्ट की गति को कन्फाइन रखती है तथा शाफ्ट को लचक नहीं देती, नहीं तो क्या होगा, शाफ्ट की लंबाई ज़्यादा होगी, शाफ्ट की लंबाई ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा,
लचक आ सकती है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इन बियरिंग का भाग दो भागों में विभक्त होता है। यह प्रायः उच्च लोड और उच्च गति के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन सिस्टम इसमें अटैच रहता है, जिससे लुब्रिकेशन होता रहता है शाफ्ट का। इस विधि में बियरिंग और बॉडी के ऊपर एक ऑयल रिजर्वायर होता है। कुंड में भरा तेल या रिजर्वायर में भरा तेल बुश में बने तेल छिद्रों से होता हुआ सुताई शाफ्ट तक पहुंचता रहता है। ये सेट कॉलर बियरिंग इसका एग्जांपल है। ये लाइन डायग्राम आप देख पा रहे हैं। अब आती है बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग की। बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग की इसको डिस्कस करेंगे हम अभी। क्या होती है हमारी बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग? तो रोलर बियरिंग, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, रोलर बियरिंग मतलब इसमें रोलिंग एलिमेंट है। इस प्रकार की बियरिंग से रोलिंग घर्षण होता है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन होता है। इस पर घर्षण का मान काफ़ी कम होता है, इसलिए एंटी फ्रिक्शन वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा। कैसा होगा? पॉइंट कॉन्टैक्ट। ये रोलर की बियरिंग कैसा है? रोलर के फॉर्म में है, इसे पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा। इसमें ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं इनको, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, इसमें लाइन कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इस प्रकार की बियरिंग घर्षण कम होने से क्या होगा, बियरिंग की अपेक्षा उच्च गति अधिक भार की दशा में सामान्यतः प्रयोग किया जाएगा इनको। जे इनका उपयोग हम उच्च गति वाले मशीन पार्ट्स में, अधिक भार कैरी करने वालों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इन बियरिंग को बताते समय इसमें ग्रीस आदि उपयुक्त स्नेक लगा दिए जाते हैं। ये बियरिंग मानक साइजों में, स्टैंडर्ड साइज में उपलब्ध होती हैं। इनका साइज जिस प्रकार का आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा, उस साइज का हम बियरिंग असेंबल करते हैं, लगाते हैं अपने मूविंग पार्ट्स के अंदर। यहाँ फिगर देख पाएंगे, फिगर से आप समझेंगे। ये देखो बॉल्स हैं, है कि नहीं? यहाँ आपको लाइन डायग्राम में दिख रहा होगा, ये बॉल्स दिख पा रहे होंगे। एक केज है, आउटर केज रेस है, इनर रेस है ना। यहाँ साफ टच के अंदर है और यहाँ रोलर बियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है। और ये इसके अंदर ये बियरिंग ये मूव करता रहता है और साफ उसी हिसाब से घूमता रहता है। और ये सेल्फ लुब्रिकेट भी होती रहती है, बॉल एंड रोलर बियरिंग। ये लाइन डायग्राम, इसके असेंबलिंग जिस प्रकार से उसका लाइन डायग्राम बना हुआ है, देख पा रहे हैं हम लोग। अब आते हैं हम बॉल बियरिंग की बात करेंगे। बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग में क्या है? बॉल बियरिंग की, अब जैसे फिगर आप देख रहे हो, बॉल बियरिंग में देखते हैं हम क्या क्या है। पहले देखो, फिगर से समझते हैं। आपको इनर रेस दिख रहा है, इन ये चक्ती दिख रही है, एक अंतः चक्ती, बाहरी चक्कर, ये रिटेनर है, इसको बनाए रखता है। यहाँ गोलियाँ लगी हुई हैं और ये तो लाइन डायग्राम है इसका, ठीक है। ये बाहरी चक्री, ये इसकी चौड़ाई दी है, रिटेनर इसको रोक के रखता है, अंतः चक्री, अंतः व्यास या बोर, इंटरनल डायमीटर, ये बाह्य व्यास है। यहाँ से यहाँ तक बाह्य व्यास, एक्सटर्नल डायमीटर, ये इंटरनल डायमीटर है, ठीक है। चलो इस बियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये तो संरचना दिख रही है हमको। तो इस बियरिंग में क्या है, दो चक्रियों के बीच खांचों में कई बॉल समान रूप से रखी जाती हैं। मान लो दो चक्रियाँ दिख रही हैं, दो चक्रियाँ हैं, मान लो ये दो चक्रियाँ हैं, इन खांचों में बॉल रख दी, ठीक है। इसमें साफ्ट घुसा हुआ, मान लो ये दो चक्रियाँ हैं और खांचों में क्या लग दी बॉल, ये एस प्रकार से होता है। यहाँ साफ्ट फंसा होगा, ये घूमेगा तो बियरिंग लगेगी, ये घूमती रहेगी, चलेगा इस तरह से कनेक्शन इसका। ये लाइन डायग्राम से आप नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, इस तरह से, ठीक है। खांचों के बीच में कई गोलियाँ समान रूप से रखी जाती हैं, दो चक्रियों के बीच खांचों में कई गोलियाँ समान रूप से रखी जाती हैं। कम व्यास वाली अंतः चक्री इनर रेस तथा अधिक व्यास वाली आउटर रेस कहलाती है। मैंने आपको दिखाया था दो चक्तियाँ, ये कम व्यास, ये अधिक व्यास वाली, ये इनर रेस कहलाता है, ये आउटर रेस कहलाता है। यहाँ कई सारी गोलियाँ रखी हुई हैं, समझ गए बात?
प्रत्येक गोली का खांचे के तल के साथ बिंदु संपर्क होता है। एक धातु पिंजरे मतलब मैट्रिक के रिटेनर के दो भागों में होता है तथा गोलियां रखते हैं। एक पश्चात इसके दोनों भाग आपस में जोड़ दिए जाते हैं। गोलियां तथा चक्रियां हार्डन स्टील की बनाई जाती हैं। और विभिन्न परिस्थितियों में के उपयोग हेतु बॉल बियरिंग अलग अलग प्रकार की बनाई जाती हैं, जैसे थ्रस्ट लोड बॉल बियरिंग, डबल रो बॉल बियरिंग, ये अलग प्रकार की हैं। इसमें क्या है मतलब थ्रस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसके लिए अलग बियरिंग डिज़ाइन करी गई है। डबल रो मतलब अभी हो सकता है हमको डबल रो लगानी पड़े, एक रो ये हो गई, इसी में क्या है एक और कर दी, एक रो ये हो गई बियरिंग की, एक रो ये भी मतलब समझो ऐसे एक रो बियरिंग की एक हो गई, एक रो बियरिंग की डबल रो बियरिंग, तो अधिक लोड करने के लिए डबल रो का भी इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं रोलर बियरिंग पे आते हैं। बात रोलर बियरिंग क्या होती है, हमारी जो रोलर बियरिंग है ये बियरिंग भी बॉल बियरिंग के समान ही होती है, जबकि चक्रियों के बीच गोलियों के स्थान पर कई बेलन मतलब रोलर का इस्तेमाल किया था, सिलेंड्रिकल फॉर्म का इस्तेमाल किया था। अभी उसमें चक्ती कैसी थी हमारी, वहाँ दो डिस्क थी, दो डिस्क में ये गोल गोल गोली इस्तेमाल करते थे। अब इसमें रोलर में क्या है सिलेंड्रिकल आकार की गोलियाँ होंगी, ये गोलियाँ कैसी होंगी सिलेंड्रिकल आकार की, रोलर के फॉर्म में सिलेंड्रिकल आकार में, ठीक है ये गोल नहीं होंगी सिलेंड्रिकल आकार की होंगी। तो इस ये भी बॉल बियरिंग के समान ही होती है, लेकिन चक्रियों के बीच गोलियों के स्थान क्या रोलर उपयोग किए जाते हैं। बेलनों के लिए खांचा केवल अंता चक्री में होता है और बाह्य चक्री समतल होती है। इन बियरिंगों में भी रिटेनर होता है और नहीं भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हार्ड एंड स्टील की बनाई जाती हैं। अंता चक्री सांप के साथ घूमती है जबकि बाह्य चक्री स्थिर रहती है। अंता चक्री तो घूमती है, हमें बताया था, तभी तो अंता चक्री घूमेगी तभी तो सांप घूमेगा और सांप के साथ गोलियाँ घूमेंगी, सांप के साथ अंता चक्री घूमती है तो इसका गोलियाँ घूमती हैं। सरल रोलर बियरिंग रेडियल के साथ साथ थोड़ा अच्छी एक्सियल लोड भी प्रदान करती है। एक्सियल भार की दशा में टेपर रोलिंग बियरिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें रोलर बेलनाकार होगा, कोनिकल होता है। इसमें और एक टाइप है टेपर रोलर बियरिंग, उसमें क्या होगा बेलनाकार न होकर कोनिकल होता है। टेपर आ गया ना नाम में ऐसे टेपर, ये देखो इस फिगर में देखो ये टेपर है तो ये थोड़ा कोनिकल है, मतलब रेडियल नोक के थोड़ा टेपर दे दिया तो कॉनिकल बन जाएगा, ये इस प्रकार का बियरिंग है जिसमें क्या हुआ ये हमारा अधिक एक्सियल लोड ले लेगी, ऐसा करने से क्या हुआ थोड़ा टेपर आने से एक्सियल लोड अधिक ले लेगी। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप की बियरिंग। तो ये हमने यहाँ जो बियरिंग के जनरल टाइप्स थे वो सारे डिस्कस किए, अब हम स्पेशल टाइप्स ऑफ बियरिंग के जो है हमारे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक ये सारा हम लोग अच्छे से पढ़ लें समझ लें, कोई डाउट होगा आप पूछेंगे। ठीक है, बात तो थैंक यू सो मच, इसको शेयर करिए अपने साथियों के बीच और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कम्प्लीट कर देंगे, थोड़ा पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।